जनाब 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 वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान, अनदर एक्साइटिंग एपिसोड। और आज तो ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि साल का आखिरी दिन है, हम बहुत जल्द दाखिल हो जाएंगे नए साल में। चाहूंगा ये, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि पिछले साल जो भी नेगेटिविटी थी, इस साल जितना कुछ बुरा हुआ, अगर जिंदगी में कुछ भी गलत किया, उसको छोड़िए पीछे और आगे बढ़िए एक अच्छे डिटर्मिनेशन पैशन के साथ कि अब ये जो नया साल चढ़ेगा, इंशाल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाएंगे, हम अपने मुल्क में बेहतरी लाएंगे, हम पॉजिटिविटी के साथ इस साल में दाखिल होंगे और सब कुछ इंशाल्लाह होने वाला है अच्छा। अच्छा जनाब, जब नया साल आ रहा होता है तो बहुत सी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स होती हैं। हमारे पास भी है कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। तो जनाब, जैज एक ऐसा ब्रांड है जो हमेशा लोगों से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट करता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। मोस्ट रिसेंटली हमने कोविड वैक्सीन कैंपेन देखी है। लास्ट वीक दे मेड पाकिस्तान प्राउड ऑफ मेकिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इजंट दिस ब्रिलियंट गाइज? दिस टाइम अराउंड दे बैक विद अनदर थॉटफुल कैंपेन, सुपर सोच का पार्टनर। तो क्या है ये सुपर सोच, आइए देखते हैं। फुल बातों का वक्त नहीं है, हटो मेरे रास्ते से। ड्रामा देखना याद है, मेरी सालगिरह भूल गई। सुनो। हाँ? जरा किचन की लाइट ऑफ कर दो। सोच का पार्टनर सुपर नहीं तो 4G नहीं, जाज सुपर 4G। जनाब जनाब, वेलकम बैक टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ टाइम आउट विद एहसन खान। जनाब, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास आज बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, क्योंकि ये शो न्यू ईयर का शो है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नया साल, और हम चाहते हैं कि नए साल में हम मोहब्बतें बांटें, मोहब्बतें दिखाएं, मोहब्बतों की बातें करें, और ये भी सोचें कि यार जिंदगी में इतना कुछ हुआ है पहले, तो काश के अब हमारा जो नया साल शुरू हो ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों के साथ शुरू हो, प्यार के साथ शुरू, और पूरा साल पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ज़बरदस्त गुजरे। तो इस नए साल के आने से पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ इस साल के एक बहुत प्यारे जोड़े को। उनकी शादी की तस्वीरें, उनकी शादी की वीडियोज़, उनकी शादी से पहले की तस्वीरें, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप लोग बहुत गौर से देखते हैं, कमेंट करते हैं, उनको पसंद करते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया के जो लोग हैं, टेलीविज़न के लोग तो खैर देखते ही हैं उनको, ड्रामों में पसंद भी करते हैं उनमें से एक को, लेकिन सोशल मीडिया पे भी उनकी चीज़ें ऑन एंड ऑफ आप कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उनको बुलाया जाए और उनकी इस खूबसूरत जोड़ी से बातें की जाए और उनसे पूछा जाए कि उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही है। तो प्लीज वेलकम एहसन एंड मिनाल। हेलो, कैसे भाई? I'm good. इस बार लास्ट टाइम तो ये आई थी सबूर के साथ जो कि बेस्ट फ्रेंड है सबूर, और इन्होंने शो में फुल लगाया शुगल और वो वैसे शो लोगों ने बहुत पसंद किया, यू नो इट वाज वन ऑफ द बेस्ट शोज वी हैड, यानी जितने भी हमारे आते हैं ना रेटिंग्स आती हैं उनमें बड़ा जबरदस्त वो था। और आज आप सोचें, आपके शो से गए, दोनों ने शादी कर ली, ऐसा क्या हुआ था? क्या हुआ था यार, ऐसा क्या हुआ था शो पे? और आज तो एहसन, अच्छा मैं बताऊं, एहसन होता पता क्या, बहुत से दफा ना लोग एहसन टैग करते हैं तो एहसन खान लिखा होता है, और मुझे तुम लोगों की तस्वीरें टैग हो रही थी साथ साथ तो मैं बड़ा परेशान होता हूँ, लेकिन अच्छा चाहिए फिर वो एहसन तो वो है यार उसकी तस्वीरें। तो यार सबसे पहले तो ये बताओ, एक तो
आई वुड से वेलकम टू द फैमिली बिकॉज आई नो यू कोई लिंक है शोबिस से, बट ये हमारी शोबिस की है तो ये हमारी फैमिली है, तो नाउ यू एंटर्ड द फैमिली, सो वेलकम टू द शोबिस फैमिली, राइट? मैके में आए ना जनाब, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल डिजिटल का दौर है और हर कोई डिजिटल पर कुछ ना कुछ कर रहा होता है. इनफैक्ट बहुत से लोगों का ये मानना है कि हमारी जिंदगी में डिजिटल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमारी आजकल की यूथ डिजिटल पे बहुत सा टाइम वेस्ट कर रही है और हर वक्त फोन पे लगी रहती है, जबकि ऐसा नहीं है. जैज का ये मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूथ को एम्पावर करते हैं और मौका देते हैं ताकि हमारी आज की यूथ कर सकती है बहुत बड़े बड़े काम डिजिटल के जरिए. तो जनाब, जैज की नई कैंपेन सुपर सोच का पार्टनर डिजिटल की पावर को हाईलाइट करता है और हम सबको ये बताता है कि हम सोशल मीडिया पे रह के डिजिटल पर रह के कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं. तो जनाब, ऐसन शोबिज में थोड़ा बहुत कुछ था पहले, हल्का फुल्का सा कोई कारनामा? थोड़े से यार, मैं इनिशियली अबाउट 4-5-6 साल पहले 7 साल पहले आई स्टार्टेड मॉडलिंग, आई डिड अ फ्यू कमर्शियल्स, आई डिड अ मूवी, एक दो ड्रामे किए. ठीक है, और एक ड्रामा मेरे साथ भी इसके साथ भी किया था. वो कौन सा था? उसका नाम था परछाई. तो वहीं पे दोस्ती भी थी? नहीं, वहाँ कोई दोस्त, वहाँ कोई किसी ने किसी को मुंह नहीं लगाया. प्रोफेशनल एटीट्यूड क्या मतलब, दोस्ती करने थोड़े जाते हैं, काम एक ही बार मुंह लगाना था, फिर उसकी शादी हो गई ना, मतलब तो फिर अच्छा, फिर चलो अच्छी बात है ना, उस वक्त नहीं लगाया, शादी हो गई, सही, ये भी अच्छी बात है. अच्छा, फिर उसके कितने सालों बाद दोबारा मुलाकात हुई और कहाँ मुलाकात हुई? उसके 2 साल बाद मुलाकात हुई थी. ठीक है, मेरी एक कैंपेन थी एक एजेंसी की, सो आई You approached her for that campaign. मैंने बोला यही पक्का यार, यही. उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ. उसके बाद we didn't speak after that. Okay. Yeah, we never met. There's a third time we met. Okay. That's when we started talking. Through a friend. Yeah. Okay, फिर किसी ने lockdown में फारिक थे ना, right before corona virus, 2 days. कौन था वो friend जरा मुझे बता, किससे मिला? नहीं, वो हमने बड़ा छुपा के रखा था. अच्छा, ठीक है. शोबिस से? शोबिस नहीं नहीं ठीक है, चलो जो भी था. लेकिन then you guys like spoke to each other, और फिर कितना अरसा जो है वो ये लगा? मिनाल से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि being a very like a prominent actor and so like passionate about your work also, और फिर इस यंग एज में हमारे ये बड़ा एक अलमिया रह चुके पहले कि बहुत सी लड़कियां जो हैं वो शादी पे तवज्जो कम देती थी और काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देके तो बहुत अपना टाइम जो है वो इस पर गुजारती थी और फिर लेट हो जाती शादी. बट यू एंड अ लॉट ऑफ अदर्स लाइक सबूर, सजल एंड योर सिस्टर एंड सो मेनी अदर्स वंडरफुल लाइक सारा खान है और बहुत हमारी जबरदस्त अच्छी लड़कियां हैं जिन्होंने बहुत जल्दी शादी की. तो ये कैसे ख्याल आया यार कि मैं शादी? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग अ पार्टनर. अगर आपको पार्टनर मिल रहा है तो आप क्यों नहीं शादी करेंगे? और कुछ लोगों को नहीं मिलता, उनका अब उनके लिए मैं कुछ नहीं ऐसे बोल सकती. ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आई मेट हिम एंड आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड बिकॉज आई थॉट कि नाउ इट्स टाइम, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी लाइफ में कर लिया, एक शादी रह गई, वो भी कर वो भी करके देख ले शादी भी. अच्छा, सो ऐसन जब पहली इससे मुलाकात थी लाइक 3-4 साल पहले, उसके बाद फिर मुलाकात हुई, तो डिड यू instantly at that time like her, या ये बाद में की डेवलपमेंट हुई है कि यार अब ये मुझे यार ये वाली तो मिस कर दिए 2 साल पहले. चलो ऐसे नहीं, अब तो बता दो, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई. हाँ, ये शादी होगी, जरा बताओ किससे छुपाना, बताओ यार. नहीं, हम लोग पहली दफा मिले हैं, हम लोग We didn't speak us work. Hi, hello, hi. No, that is not his question. His question is, did you like me or in not? In your heart, maybe you were. That's a very decent kind of approach. That when you met her for the first time, you did not approach her in that way. But he thought that, "Yar, ye ladki, matlab, chalo, main shaadi kar." Nahin, Aisin found me too boring. Really? Yeah, because I am boring mostly on set. You're not boring. Maybe work attitude आपका इतना match नहीं करता. He didn't know me personally. When he got to know me personally, तो then ना. Okay. तो फिर कब सोचा ऐसा ना कि यार मुझे यही शादी करनी है यार? कब सोचा? साथ सोचा था हमने. कब सोचा था बता? Aisin proposed me. ये बयान मिल रहे हैं दोनों के थोड़े में. Aisin asked me to get married. I think directly. पहले इसने सोचा ना? नहीं, कुछ time बाद, like 3-4 months बाद. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात बता ऐसन और दोनों से ही सब, कि इतनी ट्रोलिंग भी हुई शादी से पहले, तस्वीरें जो लगती थी उन पे ट्रोलिंग मतलब, तो जिंदगी का हिस्सा है भाई. अच्छा, एक होता ना कि इंसान एक तस्वीर लगी और ट्रोलिंग हुई और बंदा कहता अच्छा यार अब मैं ये नहीं लगा, फिर एक और तस्वीर आ गई
उसमें फिर लोगों ने कहा कि बिल्कुल शर्म करोगे, आ गई तस्वीर। On every occasion it was different. पहले you know you would get mocked off for something else. सेकंड ओकेजन में ठीक है, यू नो वी टेक केयर ऑफ दैट थिंग। शादी के बाद भी लोग छोड़ रहे हैं तो सोचें लोग शादी के बाद नहीं छोड़ रहे। अब शादी हो गई यार, शादी के बाद क्या मतलब? अब तो हमारा पीछा छोड़ दे। नहीं अब क्या कहते हैं, अब क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते, कभी कभी कॉमेंट्स कहते हैं कुछ लोग। मैं वैसे सोशल मीडिया को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती लाइफ में, बिकॉज आई थिंक वॉट I have personally was other better at social media. सही है, but you guys are, you are, and I like to share. I don't care लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते. He likes to share. I like to share. Like you know, it's my life, it's my social media. I mean, you know, you should live. यानी लोगों की परवाह नहीं, मतलब नहीं करें आप, जो कहता है कहता रहे। सही है, ठीक है। अपनी family की तो करते हैं ना, अपने दोस्तों की करते हैं, उनकी उनकी क्या राय है? कोई राय नहीं है, खुश होते हैं। शादी हो गई नहीं? इसने क्या राय होगी? नो नो नो, अब मैं अपने मैनेजर की तरह भेजूं उनको, मम्मा खुश कर दे, पोस्ट लगा दे। ये नहीं बोला मेरा मतलब कहने का ये कि असल राय मैटर करती है आपके अपने लोगों की ना, ठीक है? अपने लोग खुश थे तभी तो शादी के लिए राजी भी हो गए, शादी भी करा दी। अच्छा ठीक है, अच्छा वरना सोशल मीडिया वाले नहीं होने देते, नहीं होने देते। अच्छा शादी के बाद कितना काम किया है, यानी has she been absent from the house for a while या नहीं? Long no, she's been enjoying life आराम से, been काम been काम काम किया। I'm right not now. Doing any dramas but I did TV थोड़ा सा, TV series किया, I do my modeling and I spend time with myself and with my husband and with my family on purpose plays a break yeah अभी right now नहीं, क्योंकि I thought कि I needed to break थोड़ा सा, because इतना काम overworked हो गए थे और there's nothing new also, तो मैं ये सोचती हूँ कि फिर थोड़ा ब्रेक ही ले लेना चाहिए ताकि कोई नई चीज़ तो इंसान करे कुछ टाइम बाद। बिल्कुल सही यार, ये इतनी इंटेलिजेंट है दोनों बहनें माशाल्लाह। मैं ऑनेस्टली क्योंकि आई हैव सीन देम ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ मी ना, मैं इनको कुछ सालों से पहले भी देखा और विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव ग्रोन सो मच एंड विच इज़ वंडरफुल ऑनेस्टली। ये भी किसी किसी में ये होता है कि ऑब्जर्व करना और अपने इर्द गिर्द नोटिस करना और फिर यू नो इंटेलिजेंटली सीख जाना, ये बहुत कम लोगों में होता है। अच्छा भाई क्या चेंज आया? बैचलर लाइफ तो बॉयज़ की बड़ी मज़े की होती है, घूमना फिरना ये वो मज़े, अब क्या चेंज है? एवरीथिंग इज चेंज्ड। आपको मेरा कमरा देखना चाहिए था पहले, मेरा कमरा किस तरीके क्या था से पहले होता था, इट यूज्ड टू बी अ डार्क रूम, grey paint, unhappy, brown flooring, okay. You know, dark, you know, unhappy, na? Okay, unhappiness. Not unhappy, but you know, but like a complete balance. बड़ा dingy सा, बड़ा एक den type एक place बनाई भी ठीक है. Low lighting. सही है. सही है, जैसे बॉयज के होते हैं ना, बस ऐसे की जिंदगी है, बाहर आ गए हैं तो आप सोचे हमारे रूम में क्या। अब मेरा पूरा कमरा हो गया व्हाइट, कंप्लीट ब्राइट व्हाइट, शुक्र है व्हाइट, मैंने कहा ग्रे को पिंक तो नहीं कर दिया पूरा कमरा पे, ठीक है व्हाइट हो गया तो ब्राइट हो गया, व्हाइट हो गया तो ब्राइट हो गया। सो दैट्स हाउ योर लाइफ इज आल्सो, डू यू मिस योर पिछली लाइफ थोड़ी बहुत या बिल्कुल भी नहीं शादी के बाद? ये सवाल आपको मुझसे करना चाहिए, गलत सवाल, गलत जगह सवाल। ये बहुत फिर मतलब मुझे हर वक्त की, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ, ये इसके एक दो काम भी देखे, मगर ये हर वक्त कहीं बाहर या किसी ना किसी मिशन पे ये रहता था हमेशा। अब मिशन इसका मिशन थोड़े कम हो गए इससे, मिशन इम्पॉसिबल पूरा, मिशन इम्पॉसिबल शुरू हो गया, मिशन इम्पॉसिबल पूरा हो गया, पूरा हो गया ये उल्टी बात। चलो यू टेल मी क्या चेंज आया लाइफ में, मतलब हाउ डज इट फील, इट फील्स good to be in a different, it's good to be married because now I feel too much for my mom, bichari itna kaam, mein to lagta hai maa kaam nahi karati ghar mein, meri mamma pura din kaam karwati hai, mujhe karwana padta hai maids ke kaam, cook ko dekhna, apne sab har cheez ko manage karna, to yehi ek bahut bada life mein change hai, pehle nahi tha ab hai, but I'm enjoying it because I never got to do it, और अब मेरे पास मेरी अपनी पर्सनल स्पेस है जिसको मैं अपनी मर्जी से जो चाहूँ कर सकती हूँ, अपने घर की जिम्मेदारी ले रही हूँ, तो ये चेंज मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं है मतलब वो ये तो बताया पहले, कितनी हर जगह बताऊँ नहीं मेरा मतलब है, अच्छा चलो ये बताओ कि हु इज मोर रोमांटिक दोनों में से, आप बता दें आपको बता मुझे मैं दोनों को नहीं जानता आपको इंस्टाग्राम की बहुत इंफॉर्मेशन है नहीं नहीं इतना नहीं, मुझे लगता है कि ही इज मोर एक्सप्रेसिव, इज ही, इज दैट राइट? हां आई थिंक आई गेस इट राइट। सो क्या यू लाइक सिखा रहा हूं थोड़ी थोड़ी साथ साथ? अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत एक्सप्रेस करना नहीं आता और वो फिर सही होते हैं, लेकिन उनकी नेचर ऐसी होती है, मे बी इज शी वन ऑफ दोस कि जरा शी लाइक्स व्हेन यू डू, शी इज नो शी इज एंगर समटाइम्स लाइक योर लव, ओवर एक्सप्रेसिव अबाउट एवरीथिंग। अच्छा अच्छा, अगर किस बात पे गुस्सा आता है बिलाल, गुस्सा किस बात पे आता है?
हर बात पे कभी कभी यार यार ऐसा ये नहीं हो सकता यार, थोड़ा थोड़ा आता है, इतना भी नहीं आता, मैं कभी कभी, आपको तो पता ही है। हाँ हाँ सही है, हाँ आ जाता लड़कियों को सारा जी, मुझे पता है मैं शादी हूँ इसलिए मुझे, आपको तो पता है, आपको तो पता है, यही आप हमारे साथ हैं, सही बात है, क्लब में, और मैं, और यकीन करो इस बात में, आप अगर ये सोचो कि साल दो साल तीन साल बाद कोई चेंज आएगी, इसमें चेंज इस बात पे नहीं आएगी, चेंज अगर किसी बात पे डांट पड़नी है कुछ कह रहे हैं तो इसके लिए बस रेडी रहना। अच्छा ऐसे में गुस्सा आता है? नहीं ऐसे इज वेरी काम, दैट्स आपको लग नहीं रहा? हां है, लगता है ही वेरी काम, राइट। अच्छा एक बात बताओ ऐसा, मिनाल में कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी लगती है कि यार ये जो बात है ना, अगर तूने इसमें सोचा भाई तो फिर मुझे ये लगे कि इसको सोचना पड़ रहा है फौरन से आने, मुझसे से तुमने भी सवाल खत्म नहीं हुआ। कौन सा सवाल पूछो वापस, मैं आपको ठीक से जवाब देता हूं। कि मिना सोचने का टाइम नहीं है, चला के मार्केटिंग 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 इसे का टाइम, और मुझे मिस यूनिवर्स से कांटेस्ट नहीं हो रहा, मिस यूनिवर्स से कांटेस्ट होता है ना आखिरी सवाल आता है तो वो लड़की भी कहती है Before my marriage, I used to think, yeah, it's going to be very difficult living with someone. It's going to be very difficult, yes. You know, when you wake up with someone and because all your life you're living anxiety alone. Anxiety attack. So, but you know, I. भाभी को उतारना पड़ेगा अभी. जब शादी का यार is for all your life, mashallah. क्या आप फिर अकेले नहीं होंगे ना कभी फिर? But so you know, after marriage, so you know, when we're together and such things, so I, you know, अब आके I wouldn't have it any other way. Okay. It's a lot of fun. So you, everyone should get married. Everyone should get married. Yeah, definitely. Jisko apna life partner mil jaye usko shaadi kar deni chahiye. Itna dar dar ke bol raha hai na ye baat. Matlab kuch mujhe is baat pe yakeen nahi hai lekin mujhe bhi nahi, mujhe khud nahi aa raha main TV hu. Thank you Milal for saying that. But wo na dekho yaar usko bahut aadat nahi hai television ki itni baatein wo nahi karta. कभी ना वो ये इंटरव्यू दोनों का पहला है ना शादी के बाद, तो फिर उस पे हम थोड़ा सा उसको मार्जिन देंगे कि यार थोड़ा सा मार्जिन ना यार। अच्छा एक चीज और ऐसन, मुझे ये बताओ कि दोनों बहनों की कौन सी आदत है जो इतनी मिलती है कि बंदे ने सोचा कि यार ये अभी मेरी बेगम ने ये किया, फिर मुनीब को कहा यार मेरी, वो कह रहे मेरी बेगम भी ये करती है, दोनों कौन सी आदत है जो बहुत ज्यादा मिलती है ये बताओ। नहीं दोनों डिफरेंट है काफी, वैसे बहुत डिफरेंट है, काफी डिफरेंट है, आदत ही नहीं मिलती लेकिन शक्ल हमारी भी तो मैं तो पहचान ही सकता था, ये लोग भी हो जाते हैं ऐसे भी, अभी कुछ टाइम पहले कंफ्यूज था हम लोग का, जैसे शी इज एमन उल्टी खड़ी हुई और समथिंग एंड मैं उसको आवाज दूं, मुझे कभी-कभी लगता है नो नो आई यूज्ड टू आस्क, मैं एक दो बार मिला, मैं पूछता मुनीब वाली कौन सी है, दोनों में से मुनीब वाली कौन सी है, मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। अच्छा मुझे लगता है दोनों का गुस्सा तो मिलता है, यानी वो भी मुझे लगता है कभी-कभी जब गुस्सा करती है और ये भी जब कभी गुस्सा करती है, दोनों का गुस्सा मिलता है। आपके शो पे तो आई थी ना वो, आई है ना, मुझे पता लग रहा था, सब मुझे सब पता लग रहा था, चोरियां तेज करके आए घर से। सही सही। अच्छा एक कितना अर्सा गुजर गया शादी को, यू टेल मी? अच्छी बड़ी बड़ी चीजें टीवी से रिलेटेड नहीं है, बट पर्सनली हम लोग कुछ अच्छी अच्छी चीजें प्लान करके बैठे टुगेदर, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी बिजी ईयर फॉर अस एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Oh, that's wonderful. That's wonderful. As COVID is just ending, you're getting to travel so much. You're getting to go out itna zyada. So, you know, it's. Abhi to mujhe lag raha hai travel pe kuch restriction aane wali hai. Ab aane wali hai. Jaisa Europe mein bahut. Ab aane wali hai thodi bahut. ठीक है. अच्छा मुझे ये बताओ एक चीज और कि जब ये बहुत अच्छी लगी और रिश्ते की बात हुई तो घर में सबसे पहले किससे बात की ऐसा ने जाके कि मुझे अम्मा या अब्बा मुझे ये लड़की पसंद आ गई मुझे या नहीं की उनको बताया तो? मैंने तो उसको बोला था मैं खुद ही आके बात कर लेता। खुद बैठा हुआ आंटी मुझे अपनी बेटी का प्लीज हाथ दे दीजिए। पहुंच गया था ये? अच्छा मम्मा से इसी ने बात की थी, इसकी किसी डैड वगैरह ने बात नहीं की थी, आई सेंस स्पोक टू माय मॉम। ओके एंड देन आई टुक डैड एंड देन यू टुक एंड देन फिर डैड से मुलाकात हुई, फिर फैमिली में मिले। ओके एंड फिर वी गॉट एंगेज्ड। ओके अच्छा और एक हमें ब्रेक पे जाना, लेकिन एक सवाल मैं कहना चाहता हूं, जो वीडियो वेडिंग वाज लाइक अ वायरल वेडिंग, यानी हर उसकी एक एक पॉइंट पे एक एक तस्वीर एक एक वीडियो उसकी बहुत, तो ये यू गाइज वांटेड टू शो
No, actually we tried to control it too much. हमने तो कोशिश की थी कि कुछ ज़्यादा pictures वगैरह ना जाए. हमारे तो photographers जो हमारी team थी उनको बहुत ज़्यादा restrictions थी. But पता है आप लोगों को बोल नहीं सकते कि वो pictures ना post करें. बुरा लगता है. Mobile के बगैर शादी पे आए. कुछ लोग तो कह भी देते हैं. कैसे कहते हैं? मैं किसी से नहीं कह सकती कि मैं किसी को अपनी शादी की दावत दे रही हूँ. उनको कह रही हूँ कि घर पे फोन छोड़ के आना. सो आई डिडंट वांट दैट. और लोगों को अच्छा लगता है तो मैं प्यारी लग रही थी उस दिन. ऐसा अच्छा लगा था. मैं खुश थी लोगों ने दिखाया. आई एम हैप्पी. नाइस नाइस. ओके जनाब, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. हम चलेंगे एक गेम की जानिब बढ़ेंगे. और गेम हमारी बड़ी जबरदस्त है जिसका नाम है जोर का झटका. और उसमें देखते हैं कि आज मिनाल जो है वो एहसन को कितने झटके लगाती है. लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. और हमारा सेगमेंट है जोर का झटका. हालांकि इतने प्यारे हमारे गेस्ट हैं दोनों. मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि दोनों में से किसी को भी झटका लगे. लेकिन अब इनके अपने अपने हाथ में बटन है. इनका दिल करेगा तो एक दूसरे को झटके लगाएंगे वरना नहीं लगाएंगे. अपनी चॉइस है. अच्छा जी, यू हैव टू रिप्लाई एज मिनाल एंड देन शी विल टेल कि आर यू राइट और आर यू रॉन्ग. एंड इफ यू आर रॉन्ग तो वो दबाएगी बटन. एंड यू हैव टू रिप्लाई एज हिम. एक बार चेक कर लें चल रहा है या नहीं चल रहा. 1 2 3 आर यू रेडी? लगा गुड. उससे पहले लगा दी झटका. अच्छा, खुद अपने ऊपर टेस्ट नहीं कर रही. शोहर के ऊपर टेस्ट किया जा रहा है. सही है. अच्छा, मासूम है ना. मासूम आदमी, मासूम. ठीक है जी, पहला सवाल. शादी के बाद तो क्वेश्चन सुनियो. शादी के बाद मैंने यानी मिनाल ने अपनी ये वाली आदत बिल्कुल बदल ली है. कौन सी आदत मैंने बदल ली अपनी? कौन सी आदत बताओ? तुम्हें पता ही नहीं है कौन सी आदत. इसको वैसे झटका लगना चाहिए इस बात पे. वो ये भी कह रहा है मेरे घर जा रहा है. मैं कुछ गलत ना बोल दूं. कौन सी आदत मैंने बदल ली? कौन सी आदत जो बदल ली है बिल्कुल? I think पहले सुबह जल्दी उठ जाती थी, अब बहुत लेट उठती है. सही बोल रहा है. अच्छा, पहले जल्दी उठती थी और अब देर से उठती है. ओके, ये उलट हो गया यार. लोग कहते हैं वो शादी करने के बाद अब बहू रानी सुबह सुबह जल्दी उठेगी और घर में अपने में सोती थी. ये घर से जल्दी उठती थी. काम पे जाना होता था ना सुबह उठ के. यहाँ पर चिल कर रही हूँ. सो रही होती है. ये मजे है यार. ये देखा ना, ये है आशी. ये लड़कियों की, ये लड़कियों की आशी भाई. गुड गुड गुड. अच्छा जनाब, अगला सवाल. मैं मिनाल से सिर्फ उस वक्त डरता हूँ जब मिनाल भूखी होती है. ये सच है. That's the only time I'm scared of her. Why? She's like cranky. I know we have a word for it. It's called hangry. Oh, hangry. Hangry, cranky. तुम hangry हो रही हो इस वक्त. Okay. वैसे ये काफी लोगों में ये होता है कि भूख के वक्त नहीं कर सकती. I will go crazy. ओके ठीक है. अगर मिनाल की पसंद का खाना ना हो तो ये करती है. फिर भी वो खाना खाएगी. हाँ खा लेती हूँ. क्या खाने को कौन या क्या ना करता. ठीक है जी, मिनाल एहसन के दोस्तों में मेरा सबसे फेवरेट दोस्त इसका ये वाला है. कोई भी नहीं है. कोई भी नहीं है. जानकी झूठ बोल रही है ना. I'm being झूठ बोल रही है ना. ये झूठ बोल रही है. हाँ झूठ बोल रही है. लगा दबा 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 लगा तो मैं कैसे मजा आया. तो कौन से दोस्त हैं? कुछ दोस्तों से जान छुड़ाई कि टाइम उनको कम दो जरा. नहीं कभी भी नहीं. झूठ झूठ. हाँ ये हुआ. ये झूठ है. अच्छा एक चीज. अच्छा ये एक बड़ा पर्सनल सवाल ये हो गया कि वो कितने दोस्त कहते नहीं फोन करके कि यार तू तो शादी के बाद बिल्कुल नहीं मिल रहा यार. कोई तो मिलने वीकेंड पे टाइम देते. मेरे लिए हाँ, ये वैसे पूछ रहा हूँ. अच्छा, हाँ
हाँ अब तो ऐसा ही है. मुझसे भी ऐसे ही लोग पूछते हैं कि तुम कहाँ गायब रहती हो, कहाँ हो. जब से शादी हुई है ऐसी बात नहीं है कि एक तरफ ही दोस्त है, हमारे भी दोस्त है. अपनों से मिलना हो गया ना, मैं शर्त लगाता हूँ ये अपनों से जरूर मिलेगी. और कहती हूँ कि ऐसे मेरे सासू मेरे दोस्त से मिलना है. तो क्या करें आप? सही है ठीक है, जरूरी है. यस ऑफ कोर्स ठीक है. दोनों में से फोन पे ज्यादा बिजी कौन होता है? दिस फ्रॉम यू, क्वेश्चन फ्रॉम यू. या ये बिजी होते हैं, ये बिजी होता है फोन पे, ये बिजी होती है. अगर मैंने अपना ही जवाब देना है तो अगर सच बोलोगी तो फिर वो करंट नहीं लगाएगा ना. सच बोलूंगी. हाँ. मैं रहती हूँ बिजी अपने फोन पे ज्यादा. हाँ हाँ सही अच्छी है. बात है, मैं बच रही हूँ आज. ठीक है, ये कम बिजी होता है. हाँ सही है, लेकिन ये कम बिजी होता है फोन पे. बहुत कम बिजी होता हूँ फोन पे कंपेयर टू हर. मेरा फोन मम्मा ने कभी नहीं छीन के रखा है, ऐसे छीन छीन के रखा है. ये तो मैं कहता हूँ हर घर में है कि फोन छीन छीन के रखे. इंस्टाग्राम पे होते हैं हर वक्त. तो हाँ. तुम क्या दूसरों के कहते हैं यार, एयरप्लेन मोड होते हैं दोनों फोन ड्रॉयर के अंदर. एंजॉय लाइफ. ये बिल्कुल सही किया है. ऐसा कभी हुआ कि कभी इस बात पे गुस्सा चढ़ता है कि यू वांट टाइम फ्रॉम हर, ये इसका सा यू वांट टाइम फ्रॉम शीज के. हाँ अच्छा ठीक है. और बात करते करते वो नीचे देख रही, बात थोड़ा यार मेरी तरफ देखो यार मैं बात. ये हुआ है, ये होता है कभी? Story of our lives है ना, everyday. every single day. But मैं इतना भी नहीं use करती, लेकिन ऐसे को बहुत ही ज़्यादा issue. यार देखो मेरा उसको 100% time चाहिए तुम्हारा, 100%. कहीं 1% भी कहीं 1% भी कहीं ना जाए time. And that's you know that's very important. I feel that's very important. और ये दो तीन चीजें होती हैं जो I think एक दूसरे की इस बात को मुझे ऐसा लगता है कि when you don't रिस्पेक्ट दिस वाली चीज ना, तो उससे लगता है कि यार अगले को मेरी बात की परवाह नहीं है. हाँ. बंदे का थोड़ा सा ये बात तो आप ना ही करें. अच्छा क्यों? कोई ऐसी बात एवरीडे कोई बात ऐसी? सही है यार, मजाक कर रही हूं यार. नहीं कुछ तो होगा. आई एम एंजॉय द करियर शो को. मैं लोगों की गलतियां नहीं भूलता. झूठ नहीं, भूल जाता है. माफ कर देना. सही है. नहीं मैं भूल जाती हूँ, ये नहीं भूलता. अच्छा ये नहीं भूलता? नहीं भूलता. क्यों लगता नहीं है? ये बात क्यों? आपका नाम भी एस एन एस का नाम भी एस एन एस. नहीं नहीं forgive but don't forget. Really? अच्छा वैसे लगता नहीं है मुझे कि ये याद दिल में रखता होगा. अब आपको क्या क्या बताऊं? ठीक है अच्छा. हाँ अभी नहीं, अभी अगले साल वाले शो में और लास्ट खोले. एक साल बाद बुलाऊंगा दोनों को इंशाल्लाह दोबारा. ठीक है जी. मिनाल का फेवरेट कलर ये है. Wow, मिनाल का फेवरेट कलर येलो है. अच्छा हुआ ना. ये तो हम लोग गाड़ी में आ रहे थे. गाड़ी में बता क्या? नहीं, in the car today. I think listen, only question. We're going to this show. I need to know your favorite. मैंने कहा यार ये कलर तो कोई भी नहीं पूछता ऐसे, तो बहुत पुराने सवाल है. मैं तो फिर भी बता दो. तो आज आपने पूछा मैंने इसको भी लगने तो झटका. इससे मेरा भी फेवरेट कलर पूछे चले. सवाल तो नहीं लेकिन चलो पूछ सकते हैं कि एसन का फेवरेट कलर कौन सा? ब्लैक है ना? क्या है यू ना? ये भी बता क्या था गाड़ी? जो मैं पहनी हुई हूँ एसन का फेवरेट कलर है. ओके कूल आज के लिए ब्लैक इज वेरी क्लासी कलर यू नो. ठीक है जी. एसन को एक्ट्रेसेस में ये एक्ट्रेस बड़ी पसंद है. या मुझसे पूछ रहे हो उससे पूछ रहे? वो बताएगी. अच्छा वो बताएगी. मिनाल. अब वो बेचारा करंट भी नहीं लगा सकता. तो यही जवाब रह गया. वो कहेगा हां हां इसकी बात खत्म हो गई. नहीं लग रहा. अच्छा मिनाल के अलावा, चलो मिनाल के अलावा हां चलो बता दें. खुद बता दो. मैं क्या सवाल करूं? बता दूं कौन सी एक्ट्रेस तुम्हें पसंद है? पाकिस्तानी और ऐसे ही? मुझे एमन बहुत पसंद है. अच्छा तो एमर अमराल दोनों ही पसंद है. अपनी फैमिली की बचे तो भाई इधर से गया तो उधर से भी कोई वो भी नहीं दबाएगी कि मेरी बहन के नाम. ठीक है जी. ओके अच्छा जी. हम दोनों में से ज्यादा अच्छा टाइम मैनेजमेंट कौन करता है? इट्स क्वेश्चन फ्रॉम यू. ये टाइम मैनेज अच्छा करती है या ये अच्छा कर खुद करते हो? यू. Yeah, is that right? He's right. कब मौका देंगे आप मुझे दबाने का यार? बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ. ठीक है. मैं अपने हाथों से ये पका के एहसन को खिलाती हूँ. कुछ भी नहीं. ये सवाल इससे था. वो सोच रहा था कि यार एक चीज तो खाने की नौबत. अच्छा इसलिए नहीं खिलाती.
जो लोग अनग्रेटफुल हैं लाइफ में उनके लिए कुछ नहीं है. मैं इसीलिए पकाना ही नहीं चाहती. मैं जितना बना लूँ उसको पसंद नहीं आएगा. इसलिए उसने सोचा कि नहीं यार, मैं अपनी बेगम को तंग ही नहीं करूंगा. हम दोनों किसी से पकवाएंगे और खाएंगे. ठीक है जी. मेरे कपड़े ये चूज करता है पहनने के लिए. मेरे कपड़े ये चूज करता है. इज दैट ट्रू? समटाइम्स. समटाइम्स because I asked for his opinion ki kaisa lag raha hai, kaisa nahi lag raha. Or sometimes it turns out to be really good ki maine acha hua pooch liya. Oh yeah. Right. So he has we also discussed it. So you trust his choice na? Yeah. Acha kabhi mujhe ek baat batao. But nahi, which is great. Kabhi kabhi ladkon ko agar koi ladki zabardasti kuch pehna rahi hogi, yaar tum pe ye color acha lag raha hai, या लड़की को जबरदस्ती पहना रहा हो, प्यार मोहब्बत में पहना रहा हो, तो यूजुअली कुछ लोगों को ये भी लगता है कि यार जबरदस्ती अपनी चॉइस मेरे ऊपर मुसल्लत कर रहा है. नहीं, ऐसी वाली चॉइसेस नहीं होती. आई बाय माय क्लोथ्स माय सेल्फ. आई जस्ट ट्राई देम ऑन. खरीदने के बाद जब कहीं जाने से पहले पहन के दिखा दूं कि अच्छा लगा या नहीं लगा. बस इतनी, इससे ज्यादा नहीं. अच्छा, इतना यहाँ भी नहीं है. ठीक है. हम दोनों में से ये ज्यादा डरपोक है कौन? किस चीज से डरती है ज़्यादा? हर चीज से. बुरी बात है. ये तो ऐसे बस से बोल दिया. ये हंसाने के लिए बोल दिया इसने. ठीक है. एसन के मोबाइल का पासवर्ड मुझे मालूम है. Yes, मालूम है. दिखाओ क्या? अब सबको बताना करना पड़ेगा. इसके बाद सारी दुनिया वरना देख लेगी. मिनाल का मोबाइल का पासवर्ड मुझे मालूम है. इसको मालूम है? हाँ, मैंने कभी सालों में चेंज नहीं किया ना. इसने चेंज किया. हमारी हर चीज का पासवर्ड सेम है. ठीक है. ससुराल में मेरी या सबसे ज्यादा मेरे फेवरेट ये हैं. इसके फेवरेट कौन है सबसे ज्यादा ससुराल में? मेरे ससुराल. हाँ, बताओ कौन है. यानी इन योर फैमिली who is very close to? I think she's close to my dad. Yeah, that is really sweet. Okay, lovely. ठीक है. और इधर अब इसके ससुराल में सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है ये बताएगा ना? मैं बताऊंगा. हाँ, अच्छा, कि अब यानी अपने ससुराल में कौन है फेवरेट? मेरे सवाल ही गलत तरीके से किए. ये किससे क्लोज है? एमन के सबसे ज्यादा क्लोज है. ओके, एमन के ऑब्वियसली दोनों बहनें साथ जुड़ी हुई है. ये हर चीज डिस्कस करती. अच्छा, कभी ये होता है कि हर चीज डिस्कस कर दी बहन से? हर चीज नहीं. डिस्कस कर भी लेती हूँ तो कौन सा बताती हूँ कि मैं डिस्कस कर रही हूँ. ना, एक अलग बबल है जिसमें लोग रहते हैं, उसी में ये लोग और वो हम बबल में हैं. Which is great. Which is good. Which is good. We find time to discuss. Excuse me. We find time to discuss. अकेले में. सही है. ठीक है जी. मैं थोड़ी शक्की हूँ. नहीं. ये कह रहा है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. शक क्या रिलेशनशिप? ऐसे रिलेशनशिप मुझे चाहिए ही नहीं इसमें. शक करना हो? हाँ, फालतू टाइम अपना पूरा बर्बाद ही कर. शक क्या होता है? हमें क्या पता शक? हमारी डिक्शनरी में शक का लफ्ज है ही नहीं. ठीक है. ओके. मुझे अगर चढ़ाना हो तो ये कर लो. इसको अगर चढ़ाना है तो ये कर लो. तो रूम में से चले जाओ बाहर. ऐसे खूब चढ़ जाता है कि क्यों रूम से बाहर गए हो? मैं जब घर आया हूँ, आप रूम से बाहर चले जाओगे तो मैं कमरे में क्यों आया हूँ? ये तो आपने लड़ाई करवा दी थी हमारी ऐसे सवाल करके. नहीं यार, लड़ाई नहीं. इससे क्या हो रहा है कि एक दूसरे को ज्यादा और भी ये बात पक्का हो गया कि अब तो मुझे रूम से बाहर जाना ही नहीं. ऐसा ने तो शो में बोल दिया था. ये ज्यादा करीब आ जाओगे. एक और अभी रूम से जाएंगे, एक और लड़ाई. तो इसलिए देखिए. ठीक है. अच्छा, जब हम दोनों में से कोई नाराज होता है तो ये बनाता है. कौन बनाती है? ये बनाती है या खुद बनाता है? किससे पूछा? पूछ रहे हैं.
मैं भी बहुत मनाता हूँ, ये भी बहुत मनाती है। ज्यादा कौन मनाता है? ज्यादा कौन मनाता हूँ? आई थिंक मैं ज्यादा मनाता हूँ। हाँ, बनता है, बनता है, ऑफ कोर्स। क्या मतलब? हाँ, हीरोइन हमारी इतनी बड़ी स्टार और इतनी प्यारी एक लड़की, तो और क्या, अच्छी बीवी हूँ, क्या इतनी अच्छी बीवी भी, हाँ और क्या, सब कुछ, तो और क्या, शादी से पहले ही बनाता था ऐसे कि मुझसे शादी कर लो प्लीज। छोटी है ना, भी जाके समझाता हूं। मुझसे शादी करने के लिए तो नहीं मनाना पड़ा था। ये भी जरूरी है। छोटी हूं ना मैं। हाँ, जो ऑब्वियसली समझाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा जी, अगर एक आदत एहसन की मुझे बदलनी हो तो वो ये होगी। आई थिंक टॉवल वाली। आई थिंक टॉवल, ये जो फॉरन से टॉयलेट से निकल के टॉवल्स को कबर्ड क्लोजेट के अंदर फेंकना, ये सबसे गंदी आदत है एहसन की। आई हेट इट। पता नहीं किसकी ऐसी होती होगी, आई हेट इट। पता नहीं एहसन को चेंज, एहसन इज वर्किंग ऑन इट। अब नहीं मिलते, शुरू शुरू में इतना बड़ा क्लोजेट बनाया मैं, तौलिया भी नहीं फेंक सकते। नहीं फेंक सकते ना ये, नहीं फेंक सकते, बात ही सारी। किस लिए बनी होती इतनी जगह, फेंक जाए चीजें फेंकने के लिए? अच्छा, तो उठाने के लिए भी फिर बुला ले किसी को, कोई तो होगा घर में, और अगर तुम्हें कोई तो उठा लेगा यार, पहले भी तो कोई उठाता था यार। अच्छा, वो आके पीछे पीछे डाल देते। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, मैं इंडस्ट्री में अपनी बहन के अलावा मेरी फेवरेट एक्ट्रेस ये है। ये बताएगा कि मिनाल की फेवरेट एक्ट्रेस ये है। नहीं, आपने पूछा इंडस्ट्री में मेरी बहन के अलावा, मतलब ये बहन का नाम ना ले लेना ना यार, देखा ट्रिकी कर दिया सवाल। हां, मतलब टिपिकल भी हो जाएगा ना फिर, किसी और की बहन का लेवल। किसी और की बहन का नाम कौन है? आई थिंक दिस इज इजी। चलो, सो गलत भी बोलना तो इशारा नहीं करता, क्या करंट तो लगे। बता यार, उसकी फेवरेट एक्टर कौन सी है? बताओ कौन है। तुमसे पूछना है, मेरा फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? इसकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? हां, सबूर झूठ झूठ। एक सेकंड, वेट सर, ये वाला आता है, ये वाला करंट उसमें लगे से दोनों में कंफ्यूजन कौन से के साथ लग रहा है। नो, माय फेवरेट एक्ट्रेस इज मायरा खान। आई लाइक मायरा खान। ओके ओके, समझ लिया, अब याद रखना। नेक्स्ट, आई लाइक सबूर टू, बट आई थिंक की बात हो रही है ना। ठीक है, जो बहुत आप जो इंस्पायर भी होते हैं, बड़ा एग्जांपल है, तो आई लाइक मायरा खान। ठीक है जी, अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है वो ये है। हाँ अच्छा, ये जरा मुश्किल सवाल है। नहीं, मुश्किल नहीं है इतना। अगर मुझसे, हाँ okay, अगर एहसन को एक्टिंग करने का मौका मिले अब, तो वो ये रोल करेगा। अच्छा रोल करेगा, मतलब किस टाइप का? अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि अगर एक्टिंग इंसान को किसी को भी करनी चाहिए तो उसके पीछे कोई मैसेज होना चाहिए। तो एहसन को चूज करने चाहिए वो प्रोजेक्ट जिससे एहसन, यू नो, गिविंग समथिंग टू पीपल। सोचा एक्टिंग का अब, कुछ सोचा कि मैं कर लूं जरा एक्टिंग विक्टिंग? Yeah, maybe in the future. देखो, जैसे ये कि आहिस्ता आहिस्ता we're going to see what comes our way and ठीक है, something if something very nice, हाँ ठीक है, something really nice maybe then maybe okay, जबरदस्त जना, very nice, दोनों ने किसी ने किसी को करंट ही लगाया, एक ही झटके के अलावा जना दो बार लगाया एहसन को, दो बार लगाया very good, आज बना ने दो बार, उसने एक बार भी नहीं लगाया बेचारे ने, उसे हर बात पे क्या, बिल्कुल सही कह रही है। जनाब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम की जाने, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा कपल मौजूद है, आप लोगों का फेवरेट कपल, और ये बहुत जबरदस्त, दोनों इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बच्चे इसलिए कह रहा हूं छोटे हैं, और ये सोचे कि सिर्फ चार महीने में इनकी शादी हो, कितनी क्यूट, मजे की बात है कि 4 महीने शादी के बाद पहला शो दोनों ने किया है, तो वो है टाइम आउट विद एहसन खान। अच्छा, ये बनाने से पहले मैं पूछूंगा कि व्हाई डिड यू चूज टू कम ऑन दिस शो फर्स्ट? यानी काफी लोगों ने बुलाया कि दोनों एक साथ आओ। Because मैं पहले भी आई हुई हूँ एंड आई रियली लाइक द शो एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज दैट अभी हमारे पास करंटली हैं, तो मैं पहले यहाँ क्यों ना जाऊँ वहाँ के बदले। ठीक है, ओके, वेरी नाइस, जबरदस्त है। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि न्यू ईयर है और आज जो है ना वो ये चंद जो
ये जो घंटा चल रहा है ये ऑलमोस्ट द लास्ट आवर ऑफ दिस ईयर है, तो हम ये भी साथ साथ विश करना चाहते हैं कि जिस तरह ये माशाल्लाह दोनों एक साथ हैं और प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, उस तरह आप लोग भी जिंदगी प्यार मोहब्बत से गुजारिए। अच्छा जनाब, ये सेगमेंट बड़ा मजे का है, ऐसा जरा अच्छी तरह सोचना पड़ेगा तुझे भाई, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए सोचना पड़ेगा कि ये हो सकता है कि तू ऐसा राज अगर बता देना जो उसने कभी नहीं बताना था टीवी के आगे कि मैं ये वाली क्रीम यूज करती हूँ और तूने वो बता दिया, तो फिर घर जाके बहुत कमबख्ती आने वाली है, तो सोच समझ के राज बताना है। लेकिन मेरे पास इसमें कुछ चीजें हैं और हमें बनाना है आज पार्फेट, ठीक है? okay. उसके लिए योगर्ट, ग्रेनोला, नट बटर, बनाना, ब्लूबेरीज और स्ट्रॉबेरी चाहिए, जो कि बिल्कुल ऐसा बनेगा इस जैसा। अब आप लोग इसमें से पर्चियां निकालेंगे, छे छे, अगर तो निकल आए तो आप बनाना शुरू करेंगे, वरना राज बताएंगे मुझे इंशाल्लाह। छह चीजें, एक एक जो इंग्रेडिएंट हुआ वो इस्तेमाल करेंगे। अगर राज हुआ, स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी निकल आई है यार, निकाल, अच्छा हुआ, अच्छा सर एसन भाई निकाल यार, साथ साथ बनाना भी है ना, सॉल्ट, सॉल्ट का क्या करेगा सॉल्ट अब तो, हाँ जी मिनाल, सेकंड मिनाल के भी गुड लक चल रही है टर्मरिक तो चाहिए नहीं है, वो डाल देना उसमें टर्मरिक, वो पीछे देखो उसमें नहीं है, नहीं है, ठीक है, सॉरी। अब आपको पता चला होगा ना, मैं खाना नहीं बनाऊंगा, वो बड़ी खुश होगी टर्मरिक निकला डाल दूंगी मैं टर्मरिक, ओके, मैं नमक भी डाल चुकी होती हूं, क्रैकर्स, क्रैकर्स क्या करेगा भाई, क्रैकर्स भी नहीं चाहिए, पीछे है क्रैकर्स नहीं चाहिए, ये रखो मिनाल, नेक्स्ट, ओके लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर, नट बटर भी निकला, दो चीजें निकला, थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा नीचे वाला ना, लेट्स डिग डाउन, ब्लूबेरीज, ब्लूबेरीज निकला है भाई, बड़ी बात फाइनली यार, ब्लूबेरीज आती है ना, आती है, ओके मुझे नहीं लगता ऐसा बनेगा, कुछ तो बनेगा, ऐसन खाएगा चॉकलेट, चॉकलेट नहीं चाहिए हमें उसमें, लेकिन वैसे खा रही है, दिल कर रहा है तो खा लो, खा लेते हैं कोई बात नहीं, चलें जी, हाँ जी ये ले, योगर्ट, योगर्ट, योगर्ट तो चाहिए, बहुत जरूरी है, योगर्ट तो चाहिए, चीज में चाहिए होता है बिल्कुल, आई थिंक ये ज्यादा अच्छा चल रहा है ना, आई एम कैचिंग अप, बनाना, बनाना भी चाहिए, वेरी गुड यार, राज क्या उन्होंने बताने, सारा कुछ तो निकल आया ऑलमोस्ट, हाँ जी, आई थिंक दुनिया यही चाहती है, ये यही चाहती राज ना बताएं कोई, लेमन, लेमन क्या करेगा लेमन का, लेमन नहीं चाहिए, ये ले रख ले लेमन, तीन चीजें तो है एक्स्ट्रा, मिनाल के पास चॉकलेट फालतू है, और क्या एक्स्ट्रा है, कुछ भी नहीं, बाकी सब काम करेंगे, लो मिनाल निकालो यार, बड़ी बात है, बड़ी बात, ओके लास्ट वन, ग्रेनोला, ग्रेनोला भी निकला है, यार ये क्या है, मेरी टीम सब कुछ डाला हुआ था बीच में यार, तू लीमू नहीं डाल उसमें, लीमू नहीं डाल, लीमू नहीं है उसमें, यार ये तो और खाएगा, ऐसे के हाथ का कभी नहीं खाऊंगा, लीमू डाल, क्या क्या डाल के लेके आया किचन में, निकाल ले यार ये क्या है, मैं इसका बोरो करूं, चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स, जो नई चीजें चाहिए ना वो सारी मेरे पास आई है, राज को जो सब, अच्छा अब नाउ व्हाट डू यू नीड, यू हैव, अरे यार यू जस्ट नीड योगर्ट एंड यू नीड ब्लूबेरीज, सो योगर्ट मैं यहां से चॉकलेट लेता हूं वापस और योगर्ट दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं ऐसे नहीं बताना पड़ेगा, मैं तो चाह रहा था चार पांच राज बताइए, पहला एक तो बताओ राज, चलो पहला राज बताओ, लेकिन ये योगर्ट क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट्स इसका राज ऐसा होना चाहिए, तो मैं ही बताऊंगी आप, हाँ ठीक है ओके, सो एसन हैज दिस रियली बैड हैबिट जो के ड्रीम्स को नहीं सच समझ के लोग देखते हैं, ख्वाबों को रात में सच कर रहे होते हैं, तो ही स्लीपिंग एंड ही जस्ट यू नो स्टार्ट स्क्रीमिंग, किकिंग, शाउटिंग, बहुत बार हो चुका है, तो नाउ आई एम, ये पहली बार ये डिस्कवर कब किया कि ये ऐसे करता है, कब, हमारी 6-7 दिन हुई थी, हमारी शादी हुई हुई थी, एंड आई वाज हैविंग रियली बैड ड्रीम, बहुत पता नहीं मैं क्या देख रहा था अपने ड्रीम में, मतलब तुझे तो साथ देखा, मतलब ड्रीम में अच्छी आ रही थी यार, कॉल नहीं कॉल है यार, ये ना बिल्कुल शी स्लीपिंग ऑन माय फेस एंड पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसे ना आई जस्ट स्टार्ट स्क्रीमिंग, हां यू लाइक गिव मी द बेबी, इसे गिर रहा था, शी स्क्रीमिंग, मुझे इतनी हंसी आई इसको देख के, डाकू आ गए घर में, क्या हो गया, कि गुस्सा आया किस, क्यों चीख, क्योंकि मैं तो कभी किसी को चीखते नहीं देखा, पहली बार कोई बंदा मेरे बराबर में सो रहा है, सोची के मारता उठ गया,
और फिर उसके बाद क्या रिएक्शन था जब ये भी चीख रही फिर ही स्टार्टेड लाफिंग आई स्टार्टेड लाफिंग सो मच फिर यू नो एंड अभी दो दिन पहले ये सवाल कि मैं नींद में से इसको उठाया मैंने कहा दूर होके सो मुझसे मेरे करीब नहीं आना क्योंकि ही स्लीपिंग एंड ही स्टार्टेड किकिंग इतनी जोर से मुझे लात मारी मैंने कहा मैं पता नहीं कौन सा रोनाल्डो बना हुआ यू क्रेजी ये समझ मैंने कहा एक मिनट एक मिनट ये इतना तेज आदमी पता है करेगा ये चिली फ्लेक्स लेके ग्रेनोला देता हूँ जी भाई यू नीड ग्रेनोला राज बता दे मैं मिनाल का राज ये है कि कौन से राज बताऊं मैं तुम्हें कौन कौन है ये देखा फॉर नेगोशिएट करना शुरू कर दिया कौन से बताऊं बता देना भाई नो नेगोशिएशन यहाँ नहीं चल रही आई थिंक बहुत लोगों को पता नहीं होगा बच्ची बहुत ज्यादा टाइम लगाती है मेकअप में इतना ज्यादा टाइम लगाती है क्यों दिमाग में चल रहा था कि इसने ये बोलना आई कांट टेल यू मैन यू नो मुझे तैयार होने में टाइम लगाती है मैं 3 घंटे पहले बता देता हूँ कि यू नो हमें यहाँ जाना होगा इतने बजे जाना होगा कोई मेकअप हल्का सा मेकअप किया उसे मुंह पे मेकअप नहीं होता और भी तैयारियां होती हैं बाल बनाना होते हैं ज्वेलरी डिसाइड करनी होती है घड़ी क्या पहनी है नेल कलर चेंज करना है पूरा एक एक जिंदगी का एक दिन का एक रिचुअल है अगर मिनाल ने तैयार होना है एवरी डे चार बार मिनाल सोचे अगर दिन में अगर 3 दफा कहीं जाना हो फिर तो क्या और कपड़े ही बदलने की एक तस्वीर खींची है फिर दूसरी जगह वही कपड़े आ जाएंगे यार तो ये तो पूरा दिन गया नो सम टाइम्स जिस तरह होता है हम दो जगह हमें अटेंड करना होता है एंड वी कम होम एंड चेंज एंड नो बिकॉज़ वो सेम कपड़े पिक्चर्स है ना वो बड़ी अजीब लग रही थी खुद को ठीक है जी नाइस नाइस अच्छा मुझे लगा मेरे राज ज्यादा खुलने वाले हैं ब्लूबेरी ठीक है बताओ जी राज यार कोई ऐसा राज हो मिनाल के बस क्योंकि ये मिनाल के लिए आखिरी चीज है यार ये क्या है यार मैं राज दूं हाँ राज ये है कि डिफिकल्ट है ये कि ऐसे बहुत खाने में चूजी है ऐसे को खाना खिलाना बहुत मुश्किल है और ये राज है सबके लिए जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं तो इससे बड़ा राज कुछ हो नहीं सकता क्या करता है अगर खाने में ना चीज मिल रही हो तो क्या होता है ना चीज मिल रही हो तो नहीं खाएगा नाक मुंह चढ़ाता है थोड़ा सा नहीं चुपचाप बैठा रहेगा लेकिन खाना वो ही है केचप नहीं खाता मेयोनीज नहीं खाता वेरी बोरिंग ये सीक्रेट है वेजिटेबल्स ही खाता है ये सीक्रेट है ही इज बोरिंग समटाइम्स ओके अच्छा ये अच्छा राज है इस पे ब्लूबेरीज मिल सकती हैं लेकिन एक और मेरे प्रोड्यूसर ने बोला कि क्योंकि मिनाल के पास सिर्फ ये आखिरी चीज है जाने वाली तो एक राज और बताना पड़ेगा और वो नहीं ऐसा चाहिए। वो ऐसा नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए उसके पास बनेगा और वो राज ऐसा हो जो शायद इसके बहुत से घर वालों को भी नहीं मालूम ऐसन का मेरे भी ब्लूबेरीज खत्म हो गए क्या राज है ऐसन का राज किसी घर वालों को भी नहीं पता होगा आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ है ऐसन को ऐसन बहुत लेजी है अगर लोगों को नहीं लगता ये बात तो ऐसन जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं प्लान्स कैंसिल करती हूँ गाइस इट्स नॉट मी इट्स हिम रियली व्हेन ही कम्स होम ना ही जस्ट वांट्स टू स्टे एट होम एंड हमारी मोस्टली राइज बात पे होती है कि भाई मैं तो सुबह से घर पे हूँ तुम तो अभी आए हो मुझे जाना है बाहर अच्छा ये होता है कि आप ऑब्वियसली जब काम करके आप आते हो तो a lot of people want to be at home comfortable space not night suit what do you do Asin, when you come home from work I want to get into my chill, you know I want to get into my night suit the dirtiest t-shirt and dirtiest pajama and I want to lie down on the sofa and do nothing no you guys are talking like I have never worked before I know you've been working so hum to ek hi field ke na yaar lekin is ye badi baat hai ye kaam bhi karti sath mein raat ko socialize bhi kar rahi hoti hai ladkiyan यार ये कौन सी बटरफ्लाईज है इनकी सुपर पावर नहीं करते अब आपस में सोशलाइज करते ये लो यार यू हैव अर्नड दिस मिल गई ना मिल गई गुड कौन है भाई क्रैकर्स क्रैकर की जगह मिलेगा नट बटर बता भाई मिलेगा राज बताओ राज बताइए बेगम से पूछ के बता दे कोई बात नहीं आई एम बेटर देन यू बेनेट तो तूने बता दिए तुमने वैसे काफी अच्छा बना लिया मुझसे अच्छा फिर स्टॉप बाइंग टाइम राज आपका ये रात को ना 6 बजे से पहले नहीं सोती सुबह नहीं यार सुबह यू नो सुबह तक हमारा टीवी ऑन होता है आई नीड टू गो टू वर्क
मैं ना पिछले चार महीने से मैं हर दिन लेट हो रहा हूँ. चार महीने ना शादी को हुई तो इसका लेट जाना बनता भी है यार. चार महीने हो गए. नहीं अभी भी लेट जाना बनता है यार. कम अज कम छह महीने साल लेट जाना बनता है. क्या यूथ को सिखा रहे हैं आप? क्या पैगाम दे रहे हैं? ये पैगाम दे रहा हूँ कि अच्छा है स्पेंड टाइम टुगेदर गाइस. इट्स द बेस्ट थिंग. My buffer is ready guys, so no more questions. Very nice. Looks brilliant. I think it's better. See? और ये इसमें उतर के आ जाए तो और भी अच्छा लग रहा है. देखो यार क्या मिनाल का तो हो गया. ये रह गया भाई बनानास रह गए. बनानास रह गए. एक राज बताना पड़ेगा. एक राज बताना पड़ेगा. आप ही बता दें अपना एक राज. क्या मैं कि मैं ठंडे पानी से नहा सकती हूँ. ठंडे पानी से नहा सकती है. मैं ठंडे पानी से नहीं नहा सकता. ऐसे नहीं यार. I will wait. नहीं मैं नहा लूँगा. Very brave. This is brave. सर्दियों में ठंडे पानी से नहाएं. ना ही हूँ अभी दो तीन दिन पहले भी. क्या करें सबके यार. गैस नहीं थी यार. हमने हर चीज ट्राई कर ली है. वो बिजली के छोटे वाले सब कुछ रॉड ले पुराने वो देखा था मैंने रॉड. तो वो आरिफ साहब होते ना वो मेरे सारे काम वो कर रहे थे. तो वो रॉड ले आए एक दिन. कहते से पानी गर्म. हम देख रहे हैं यार ये क्या चीज है. फिर उसे डर रहे हैं करंट नहीं लग रहा. वेट कर रहे हैं पानी गर्म हो जाए. गैस नहीं. यार एक अजीब सिस्टम. हमने तो एक बार अभी तो बिल्कुल गैस नहीं थी. नो सिलेंडर नो गैस नथिंग. हमने आग लगवा के पानी गर्म किया. बिकॉज ऐसे को नहाना था. मैं तो नहा लेती हूँ ठंडे पानी से. ऐसे नहा टू टेक अ शावर. सो यार दिस इज माय सीक्रेट. मैंने तो अब ये किया कि अब हर चीज है वो बिजली की है. अब बिजली का चूल्हा बिजली का. लेकिन वो इलेक्ट्रिक गीजर जो है वो अंदर लगता है ना. इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता फिर. ये लो यार इस बात तो मुझे दुख हो गया. मुझे हम सबका एक ही मसला. ये ले यार बनाना डाल इस पे. सारे ले ले भाई. इस और भी ले ले यार. इसकी आ रही चारों भी ले लूं. और ये बन गया जी. परफेक्ट तैयार हो गया. वेरी नाइस. दोनों ने बड़े अच्छे डाल दिया. थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट गेम की जाने. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. हमारे साथ रहिए. देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. शुक्र है मेरा माइक चल रहा है. कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक हैं. हम लोग भी ठीक हैं. जनरल नॉलेज का ये सेगमेंट है. छुट्टी बंद सेगमेंट का नाम है. आप लोग जानते हैं एहसन जो है वो पहली बार आया. मिनाल तो पहले भी होके जा चुकी हैं. लेकिन ये ट्रेजर बॉक्स बड़ा स्पेशल है मिनाल. पहली बार देखा है. इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीजें निकलती हैं. और अगर आपका सवाल का जवाब गलत होता है तो फिर आप लोगों को पहननी पड़ती है. और ये जनरल नॉलेज है ना, इसका मतलब सारी मुझे पहननी पड़ेगी. और नहीं कभी-कभी कभी-कभी ऐसे होता है कि जब मियां बीवी होते तो फिर बेगम अपनी चीजें अपने शौहर को भी पहना सकती है. ओके नाउ आई गॉट इट. तो फिर आपको लाइफलाइन दे दी. और ये भी हो सकता है. और ये भी हो सकता है कि शौहर भी अपनी चीजें बेगम को दे सकते हैं. इट्स योर चॉइस. जो मर्जी करें. पहला सवाल करें आपसे. जी बिल्कुल. जो पहले जवाब देगा उसका जवाब सही माना जाएगा. अगर सही हुआ तो आप ऑप्शंस भी देंगे ना. हाँ ऑप्शंस हैं. पहला सवाल ये है. विच वेरी इजी विच लैंग्वेज हैज मोस्ट वर्ड्स? फ्रेंच, संस्कृत या इंग्लिश? सी. ओके यू सेड सी इंग्लिश एंड यू सेड आई एम गेसिंग कि इट इज प्रोबेबली संस्कृत. संस्कृत. Okay, you said English, you said Sanskrit. Yeah. Okay, yeah. Ji, let's see. The right answer is English. Wow. Ji, choose the page. Number seven. Okay, number seven. Kya hai? Please batao na. Pehla itna khatarnak nikla hai, yaar. Main kya karun, yaar? Main kya karun? मैं बता रहा हूँ. उल्टी है उल्टी है उल्टी है. अब सही है. Yeah, now you can take it off.
जो सबसे खतरनाक चीज थी वो तो एहसन ले गया। अच्छा, ये पहन के तो नहीं रखनी ना? हां नहीं पहन के रखनी यार, नहीं पहन के नहीं रखनी, वो उतार देगी उसको। यार क्या हो गया मेरे कॉमन को, नाक पहना दी उतार उसके नाक। अच्छा थोड़ी देर और, एक दफा और पहन, एक दफा शॉर्ट बन जाना हमारा। अच्छा आई थॉट इट वाज लाइक अ No, it's really cute. Yeah, अच्छा तो लग रहा है यार। अगला सवाल ये है, which short film featured Mickey Mouse for the first appearance? Mickey Mouse की first appearance was... I remember this. Okay, Plane Crazy, Wild Waves, which one is it? This is A. I remember A. this. You said A, okay. ऐसन क्या हो गया? मुझे लगा सारी चीजें। Yeah, you know, हाँ, I'm thinking के Mickey Mouse का probably I think C होगा, the band concert. ठीक है जी, सही जवाब है। आज मेरा बुरा दिन है। कुर्बानी दे रहा है वो, बेगम के लिए कुर्बानियां दे रहा है। हाँ जी चूज करो। हाँ जी बताएं, अब मैं चूज करूँ ऐसन? हाँ ऐसन। चलो जी करें। Six. Six. Number six. Number six. क्या? All right. आए, बाल खराब ना करना। इसलिए है ना, अब ये लगाएं। शाबाश, गुड बॉय। तुम्हारा ये कॉस्ट्यूम होना चाहिए। ओके हेलोवीन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पाकिस्तान इज सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया थ्रू चाइना कॉरिडोर, वाकन कॉरिडोर या इकोनॉमिक कॉरिडोर? क्विकली गाइस, क्विकली। Walk-in corridor. Okay, you B? said walk-in corridor. You said B? B. I'm saying नहीं, B. पहले भी उससे बोला था। I said B first. सही जवाब है। सही जवाब था। ये सही है। अब इसे क्या मुझे नहीं आता जो वो बोला सही बोलोगा। Direct. ऐसे तो मुझे तो याद तो करना है। मैं तुम्हारे लिए नंबर तुम्हें बताता हूँ ना अभी तुम्हारा। इसमें कोई हेल्प नहीं है। नंबर 10. नंबर 10. ऐसे ना आप हेल्प करना ना यार। हाँ ठीक है, मैं इशारे करता पहले ही पकड़ा गया था एक दफा। Glasses with not the bad. nose. सुनो तो सही. With the nose? Yes. Which glasses? है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं. है. निकल आए. ये बहुत funny glass. तुम मुझे इतनी खूबसूरत कभी लगी नहीं। इसमें वापस लगाओ। इसमें झटका लगना चाहिए दोबारा से। ओके जी, अगला सवाल ये है। I was hoping ऐसे इनको लगाना पड़ेगा। Which country has the most world heritage sites with 55 sites? Egypt, Italy या Syria? बहुत इजी है। A? Italy. No, it's B. It's a okay, G. You said A, you said B, and the right answer is B. Italy कितना पुराना है? तो तुम पुराने हो ना, मैं थोड़ी पुरानी हूँ। अब मैं अपनी हिस्ट्री याद करूँ या दूसरों की बैठ के याद करूँ? चलो कोई बात नहीं। चले जी, नंबर बताएं ऊपर से। तो ऐसे ना, अभी तुम ले लो ना। नहीं कुर्बानी नहीं, वो कह रहा नहीं। Number marriage is the word. Sacrifice करना पड़ता है marriage में। I have look, I have my red nose. आज ही करा रहे sacrifice। देखो फिर से glasses निकल आए यार। Really? Star shape glasses. Not bad. Not bad चलो। So me. एक नशा है। Na 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 na. इसको भी बना दे। सही है, अच्छे लगे हम। मैं चाह रहा हूँ दोनों का मुकाबला होगी। कौन ये नहीं आप, ये वापस वो वाली ग्लासेस लगा फुल। मैं तो ये चीटिंग है, आप मुझसे बात कर रहे हैं। नाइस 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 नाइस, गुड गुड, यू गाइस आर लुकिंग गुड। अगला सवाल ये है, व्हिच ओके, व्हेन वाज द फेमस चिल्ड्रन टेलीविजन शो एनिकोलॉजी ब्रॉडकास्टेड बाय पीटीवी 91, 92 या 93? ये तो आप बता देते हमें। ये तुम चलो, पहले मैं तुम्हें मौका देता हूँ। तुम्हें पता है? मुझे तो पता है। तुम्हारा ए, तुम जिस साल पैदा हुआ उसी साल आया है। अच्छा? Yeah. It's B. It's C. It is C. It's C. अच्छा it's B, it's B, it's C. It is C. अच्छा चेंज हो गया। No, I said C. Okay, let's see. C say C है या B है? तो यार मैं तो You're
वेरी क्लोज. हाँ मुझे मैं बहुत छोटी हूँ यार, तुम्हें पता ही नहीं था. तुमने एक साल में पैदा होके देख लिया. हाँ ये क्या चक्कर है, पैदा होके देख ली मतलब ये पुराना है. इसका तो मुझे नहीं पता था. हाँ, तो इसी मुझे चीटिंग तो करनी पड़ेगी वरना मैं जीतूंगी नहीं. अपने लिए चूज करना पड़ेगा. फर्स्ट लेट्स सी पहले में क्या है. वाह वाह. Wings. Angel wings. Not bad. ये कैसे पहनेंगे? Angel wings. ये तो ये हार डालो. ये मैं तो एंजल ही हूँ रियल लाइफ. नाइस. अच्छा लगा. Nice, nice. Wow, 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 wow. अपनी हार की खुशी को ऐसे मनाता है. Celebrate. Yes, like this. Yes, cool. आप हैं जी अगला सवाल. In science and education, I think I should be out from the studio. Educated guess is called observation, hypothesis, या conclusion. I think ऐसे बोलेंगे ना. Conclusion. See. Two. Okay, as in? I think two. B, okay, hypothesis, and you said C. The right answer is... She's wow! Really? Tukka lag gaya yaar. Kab se dimaag chala rahi thi, laga nahi main. So tukka hi laga leti. Maine bhi na confidence pe tukka maara tha. Sahi tha, tukka. Bas yehi sahi tha, bas sahi tha. Lekin choose karo bhai, uska jawab sahi hai. I think number five. Number five! Number five. Kya aayega? Number five, let's see. Kya hai number five mein? Wow! ये हुई ना बात. वो बन जा पाए. सब कुछ. यार ऐसे. Nice यार. तो बहुत ही funny लग रहा है. Nice, nice, cool. Not bad. अगला सवाल ये है, गौर से देखिएगा. Which is the first ever law university in Pakistan? Qaid-e-Azam University, Zebist, या Behriya University? First, Qaid-e-Azam. First ever law university of Pakistan. बताएं. आप बता दें. I think मुझे तो नहीं पता. Zebist. Qaid-e-Azam University. Qaid-e-Azam तो हम इसलिए पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की बात आ गई. Zebist. अच्छा, final decide. You said Zebist. Qaid-e-Azam was a lawyer. I think Zebist. And you said? A. Qaid-e-Azam University. And I think it's... आपको सोचें मैंने क्यों बदला? चलो जी, सही जवाब है. अच्छा, really? I think number two is lucky. ऐसे now number two खोले आप. अच्छा. I didn't know this. Number two? Number two. Haan, go. Yaar. Yaar, kya? Sahi hai. Woh utaar le, bhai. Joker article aayi hai. Baal na kharab ho, zara sahi. Mujhe to lag gaya tha, main lag li dunga. Not bad. अगला सवाल, ये दुआएं करोगे, आखिरी सवाल हो. Who is the father of Urdu literature? Very easy. गौर सुनिएगा. मौलवी अब्दुल हक. Oh no. मैं जो ऑप्शन सोच रहा था. अब्दुल्ला खान गालिब, मौलवी अब्दुल हक, या मीर तकी मीर. I thought it was going to be Allama Iqbal, but he's not there. I think it's first गालिब. No, it's. You said Ghalib. Urdu to B. Maulvi Abdul Haq. Maulvi Abdul Haq. It's mera jawab hai. Kya matlab hum log soch rahe hain? Jo wo keh rahe ho. Main apna bata dun. I think Mir Taqi Mir.
सही जवाब है। तीनों बोले, तीनों बोले। Finally कोई तो जवाब सही आया। ये अगली चीज किसको पहनानी चाहिए? यार मुझे ही पहना दे। अब तो मुझे शर्मिंदा है। जवाब में कैसे पहनानी किसी को? जिसको उर्दू पढ़ना नहीं आती उसको पता है कि कौन है, मुझे नहीं पता। ऐसे ही तो तुम्हारा सीक्रेट था, तो मैंने उसे बताया नहीं। उर्दू नहीं पढ़ाती इसको? नहीं, तोड़ तोड़ के पढ़ता है, पढ़ती है, देख पढ़ता है, लेकिन तोड़ तोड़ के पढ़ता है। इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वजह है? मैंने स्कूल में इतना कंसंट्रेट नहीं किया उर्दू के। ओके, उर्दू पे कंसंट्रेट। ओके, चूज कीजिए। यू हैव टू चूज। 9 नंबर। तुम्हें नंबर ज्यादा मिल रही है। 4 अच्छा, मैंने अपने लिए चूज करना है, ऐसे चूज कर रहा है। हां, 4 लेट्स सी। 4 कभी कभी जरूरत आ जाती है हल्क ग्लव्स की। आज तो ज्यादा है, यहां से जाने के बाद तो नहीं चाहिए होंगे। अगला सवाल बहुत आसान। सिमली डैम लेक इज लोकेटेड नियर मीरपुर अटक या इस्लामाबाद? ये डैम का नाम मैंने पहली बार ही क्यों सुना है, इस्लामाबाद के तो सॉरी इस्लामाबाद, इट्स नॉट इन अटक, इट्स इन मीरपुर। ए, इट्स प्रोबब्ली, ओके यू सेड ए, मे बी आई थिंक अटक, ओके देन आई गो विद ए। मीरपुर, यू बोथ सेड ए एंड द राइट आंसर इज सी, इस्लामाबाद। यू सेड सॉरी इस्लामाबाद। ओ माय गॉड, आई एम फॉलोइंग यू, यू सेड इस्लामाबाद। कितने इस्लामाबाद है उसे। अब ये दोनों चूज कर लो भाई, कौन सा नंबर है एसन पहले चूज करेगा? हम दोनों ने गलत दिया ना, मतलब दोनों चूज करो। दोनों चले, आप करें। 8 8 में देखते हैं क्या है, किसको मिलेगा जिसने निकाला है नंबर जिसका है। दोनों ने गलत जवाब दिया है, दोनों को मिलेगा एक और, वो भी चूज करें। ओ हां, ये तो फिनाल का है, प्लीज प्लीज प्लीज, इसको भी स्टाइल से पहन लेते हैं। ये लो, और आप आपके लिए एक ही बचा जो निकलेगा और वो है ये मास्क। ये तो सबसे एंड में निकला है, डबल फेस मास्क के लिए। गलत है ये, दिखा इसको पहन। अब हम यहाँ से न्यू ईयर बॉल पे जा रहे हैं, पार्टी पे। ऐसे तो कोई वेरी नाइस, तो आपने रेडी कर दिया न्यू ईयर पार्टी के लिए। हाँ, अब यहाँ से पार्टी पे जाने का इरादा हो रहा है। हाँ, रेडी है, पार्टी पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक लेके छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एसन खान। जी टाइम आउट विद एहसन खान पे वेलकम बैक कहते हैं आपको, और हमारे बहुत प्यारे खूबसूरत दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। ओके जनाब, बिफोर वी टॉकिंग टू आवर गेस्ट, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, वो है जैज के बारे में। जैज ने अपनी सारी कैंपेन्स में एक मीनिंगफुल पॉइंट ऑफ व्यू को तरजीह दी है, चाहे वो कराची फ्लड्स हो, COVID-19 या वैक्सीनेशन की मालूमात हो। जैज की नई कैंपेन सुपर सोच का पार्टनर डिजिटल की इसी पावर को हाईलाइट करता है कि हम सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में रहकर कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सो व्हाट वुड योर सजेशन बी के जो यूथ की लड़कियां हैं या आजकल की लड़कियां, उनको किस तरह शादी के बाद क्या नया करना चाहिए, अपने अंदर क्या चेंज लानी चाहिए? आई थिंक एक तो नहीं, बहुत सारे चेंजेस की ज़रूरत होते हैं, और मैं खुद अपने ऊपर इतना ज़्यादा आजकल काम कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये ज़रूरी, ठीक है, ओके। मैं समझती हूँ कि हर किसी को, नॉट इवन ओनली गर्ल्स, मतलब दिस गोज़ फॉर द बॉयज़ आल्सो, कि आप लोग को बोथ को कंट्रोल रखना चाहिए और कम्युनिकेट करना चाहिए, और ऑब्वियसली अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
जैसे मैं एहसन की करती हूँ, आई एक्सपेक्ट एहसन भी मुझसे उतना ही प्यार करे, मेरा उतना ही ख्याल रखे, ज्यादा ही करे, बल्कि ज्यादा, उतना नहीं ज्यादा, उतना नहीं ज्यादा करे, ताकि मैं और ज्यादा करूँ, क्योंकि आई थिंक रिलेशनशिप्स मोहब्बत प्यार और भरोसे से चलते हैं. सो आई थिंक दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर रिलेशनशिप में ये तमाम चीजें हों तो फिर आपका रिलेशनशिप आगे चल सकते हैं इंशाल्लाह. अच्छा एहसन, मुझे ये बताओ यार कि मिनाल इज एन एक्टर राइट, एंड शी इज फेमस आल्सो, तो व्हेन यू गो आउट हाउ गुड डू यू फील कि जब इसके पास बहुत से लोग आ रहे होते हैं और मेरे पास नहीं इतने आते हैं, अब इसके पास आते हैं. हाँ या लोग इसके फैन होते हैं. ऐसा ऐसा हो गया या सच बता यार, क्या सीन है? हाँ कभी कभी यार, बड़ी बात है भाई, बड़ी बात है यार. लेकिन वो जब जैसे नॉट फैन बिकॉज ऑफ मी, फैन बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज यू नो ऑब्वियसली लोग ये चीज फॉलो करते हैं ना कि आपका यूथ को क्या आपने यू नो ही ओन्स मी, पीपल लाइक दैट. बहुत से लोग अपने पार्टनर को ओन नहीं करते हैं, एंड आई थिंक इट्स रियली गुड अबाउट हिम. ये अच्छी बात है, इट्स लॉट ऑफ फन. फन का अलग होता है, बट समटाइम्स यू नो यू गो आउट टू हैव लाइक यू नो आराम से जाते हो, टू आराम से डिनर करने जाओ, पर्सनल टाइम होता है, आराम से आप कहीं बैठे हो. पीपल आर मोर अंडरस्टैंडिंग नाउ एसन. हां वैसे लोग अच्छे हैं, लोग नहीं तंग करते हैं. लेकिन कभी-कभी आप भी जाते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब भी करते ही होंगे जरूर, मुझे यकीन है. पर्सनल स्पेस पर चाहे फैंस अच्छे होते हैं, बट काफी शौक से आते हैं, सो यू नो इट्स इतनी जगह चली गई, सबको पता चल गया. अच्छा तो एक और चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मालूम ही नहीं होता और दूर से वीडियो भी बन रही होती है आपकी. हाँ लेकिन आपको मालूम होता है क्योंकि आप बड़े लोगों के वीडियोस बनाते हैं. सही है बिल्कुल सही. अच्छा इसमें से पर्ची निकली, आपको उन शख्सियत के बारे में कुछ बताना है, कुछ बोलना है? मुझे बताना है. आपने खुद तो नहीं बैठ के बनाई ना? नहीं, क्या है क्या है? क्या बताऊं आपको इनके बारे में? कौन है? वाओ मुनीप भट्ट. बताए मुनीप को, मुनीप को कोई एडवाइस नहीं है? एडवाइस दे तो उसके बारे में कुछ बोलना है, उसको कुछ कहना है तो प्लीज गो अहेड. मुनीप इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है. मैं बताती हूँ, मुनीप बहुत डाइट कॉन्शियस है बेचारा. कुछ ऐसे ना, हम जब डिनर पे बैठते हैं, ऐसे बैठते जी कहते हैं क्या लाइफ है बेचारी की, हर वक्त डाइट कर रहा होता है, हर वक्त वर्कआउट कर रहा होता है. इतना यू नो बिकॉज पंजाबी है ना, उसकी बॉडी में गेन जल्दी होता है सारा कुछ. सो आई फील बैड फॉर हिम मुनीम. मैं कहता हूँ सारी जिंदगी, आई एम विद यू. नहीं बट वो होता पता क्या है, डाइट सारी जिंदगी चलती ही रहती है, लेकिन कभी कभी दिल करता है कुछ नहीं, उसको ना खाना बहुत ज्यादा लगता है. जब टिका के खाओ वही दिन बुरा होता है, वही लग जाता है. वैसे वो फूडी भी होगा, मुझे लगता है शौक फूडी भी है. हाँ ठीक है चलो. आमिर भाई आम खाया? ओहो ये क्या पूछ रहे भाई, मौसमी आम तो का मौसम ही नहीं है. किन्नू ओके चले. सबूर अली के बारे में कांग्रेचुलेशंस फॉर योर अपकमिंग वेडिंग. ओके अपकमिंग वेडिंग मतलब जैसे उसकी बेचारी की सीजनल वेडिंग होती है. जनवरी की डेट भी नाम सो चुकी है जी, वो तो सबको पता है. यस रीमा खान, रीमा जी प्लीज नेवर एंड एवर कट योर हेयर बिकॉज एवरीवन लव्स योर हेयर, तो प्लीज नेवर कट योर हेयर. वेरी नाइस. अच्छा जी दो छिपा के रखी है. कौन है? कौन है? दिखा के नहीं रहे. मेरे पास ही सारा खानदान आ रहा तुम्हारा. एमन एमन को दे दो. एमन पार्टी करना बंद करो. अपनी जिंदगी को थोड़ा कंसंट्रेट करो. अच्छा बेचारी मेरी बहन उसकी तो बच्ची भी है, उसने ज्यादा कंसंट्रेट किया. क्या पार्टी करती है बेचारी. चल अगली भी पर्ची निकाल भाई. एक और अगली भी निकालते हैं. चलें दिस वन. ये निकला है गाना, क्या है ये? बहकारे बहकारे. चलो भाई चलो भाई बहकारे. जरा दिखाओ यार.
कौन दोनों ही परफॉर्म करेंगे? यस आई एम गोइंग टू कम ऑन क्या करेंगे प्लीज कितना करना है क्या करें तब गाना शुरू होने दे All right, आपका second song भी हो गया. Very nice, very nice. So guys, I think with the last parchi, which I feel is a song, we will have to say goodbye to you. क्योंकि नया साल है, तो हम चाहेंगे एक happy moment पे हमें end करें. जनाब. Okay. ये last है जी, last. कितना डांस करवाएंगे तो फौरन डिस्को दीवाने और इसके साथ जनाब आप दोनों जानते हैं कि वी आर एंटरिंग 2022 बिल्कुल टाइम जो है वो खत्म होने वाला है सो हम काउंट डाउन देंगे 10 9 8 7 6 5 4 3